साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट के ये जो गंज बासोदा तहसील है इनके करैया गांव में है और कल यहां पर शेड्यूल कास्ट के एक दलित किसान जो है कंछेदी लाल अहिरवार, इनकी दबंगों ने बेरहमी से पीटकर घातक हथियारों से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अब तक इनके परिवार को हेल्प करने के लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे साथ कंछेदी लाल के बीवी है, हम उनसे पूछेंगे कि ये पूरी घटना क्या हुई थी। माँ जी बताइए कैसे हुआ था, ये बताइए आप। और ये कहते अजीत साहब 8 बजे मारे मैंने, क्यों मार दिए जमीन पे? भाई जमीन पे परसों नरसों के बुआ का, यहाँ 4-5 दिन नहीं भाई। अब मतलब कितना बीघा जमीन है? मुझे तो 65 बीघा है, 9-10 जमीन 6 बीघा है। इससे पहले आपके छोटे बेटे मनीष की भी इन लोगों ने हत्या कर दी गई। मारो तो बल्कि तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? नहीं कार्रवाई। अब तक आपसे मिलने सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आए क्या? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, आपको कोई आर्थिक मदद मिली? नहीं मिली, कोई नहीं मिली। साथियों, हमारे साथ ये जो जिनकी हत्या हुई है कंछेदी लाल, इनके बेटे अभी हमारे साथ है, छोटे बेटे, इनसे पूछते हैं कि अपने पिता के हत्यारों के बारे में बताएं और क्या वजह थी कि जिनकी वजह से इनके पिता की हत्या हुई। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जमीन बोने गए तो 3-4 दिन पहले, तो जमीन बो के आए तो बिन्ने कहा हम तेरे को उधर ही बताएंगे, जहाँ तुम मिले आप जहाँ इसको मत देखो, कर लगे तू मिला हमें खत्म हर बात है, तो फिर तेरे को बताते हैं चमड़ा वाले यहाँ से कह कर वो वहां से चले गए और मुकदमे बढ़िया जमीन धरी हमने, तो वहां से 2-3 दिन ही भाई, जिसके बाद मेरे पिताजी बावड़ी जा रहे थे, बावड़ी से बासदा जाते हुए तो माँ ने रास्ता में रोक कर छक मार दिया, पिताजी को मारने पड़ गए। कितने लोग थे वो अपराधी? ये 4-5 लोग थे जितने। क्या नाम है उनके? नाम बताओ नाम। पंकज, संजू, संजू अर्जुन, कल्लू बघेल, महेंद्र, ये लोग थे सर। और पंकज पूरा नाम बताओ। पंकज बघेल, पंकज बघेल, संजू, कल्लू, अर्जुन बघेल, संजू जाती में आते हैं वो लोग। इनसे पहले 1 साल पहले यही अपराधियों ने आपके भाई मनीष की भी घात की हत्या कर दी गई थी, तो इनके बारे में आप बताइए कि तब कोई FIR दर्ज हुई थी क्या और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं करी अजीब। साथियों, ये मध्य प्रदेश का हाल है, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर दिन प्रतिदिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये जो कंछेदी लाल बघे, ये जो अहिरवार है, इनका घर आप देखिए कि पूरा मिट्टी से लगाया हुआ है पूरा घर। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं, इनके रहने और खाने पीने की भी जो है बहुत बड़ी मुश्किल से ये सब लोग व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की इतनी आबादी होने के बाद भी इन लोगों को न्याय नहीं मिला। हमारे साथ इनकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? भागीरथ संजोदिया। अच्छा, कितने अपराधी को अरेस्ट किए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? अभी 2 हो गए शायद, वो थाने में है और वो चल रही उनकी खोज। अच्छा, आप कितने लोग हो यहाँ पर? अभी 12 आरक्षक है, हेड साहब और मैं हूँ। अच्छा, और अभी ये इस केस का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? वो TI साहब कर रहे हैं थाने में। तो देखिए, ये 2 ऑफिसर दिए हैं। एक्चुअली जब भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो FIR दर्ज होती है तब SRP की पूरी टीम लगानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। DSP जो है, जो DYSP जो रहते हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की ये जो सरकार है, ये शिवराज नहीं यमराज की सरकार है और हर रोज कई शेड्यूल कास्ट के लोगों की घात की हत्या होती है। हमारे साथ गुजरात के RTI एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता कांति भाई चावड़ा है, उनसे पूछेंगे ये घटना के बारे में आपकी क्या राय है। कांति भाई, ये घटना दर्दनाक है और ये शिवराज सिंह की सरकार, जो दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली सरकार, जो इतने दलितों पे अत्याचार हो जाने के बाद भी निंद्राहीन है, उसमें कोई जागरूकता नहीं है। पीड़ित वंचित समुदाय का जो रक्षण करना चाहिए, सामाजिक समानता रखनी चाहिए, वो नहीं है। 4 महीने के अंदर
चार महीने के अंदर तीन घटना ये विदिशा जिला जो है उसमें से बनी है। एक असुआ गांव है, वहाँ जो लड़की की छेड़ती करने के बाद जो उसके पिता जो फरियाद करने गए तो दबंगों ने कुहाड़ी से उसके पिता को मारकर हत्या कर दी। दूसरा पठेरा चांडू गांव में सर्प मुखिया का जो इलेक्शन था उसकी अदावत रखते हुए रघुवीर चौधरी की भी हत्या कर दी गई। उसको ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। तीसरा बनाव है कंचेली लाल की हत्या की गई जमीन के पट्टे के विवाद में, जो इसी परिवार जो है जो ठाकुर समुदाय के जो बघेल, तो उन्होंने ये कंचेली लाल के जो छोटे मनीष जो था वो लड़के की भी हत्या कर दी थी। और इसी जो दलित परिवार में दो हत्याएं इसी लोगों ने की है, फिर भी स्वतंत्र की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तंत्र की तरफ से कोई जवाबदार जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स इस पीड़ित परिवार की मुलाकात लेनी चाहिए, उसको मुआवजा देना चाहिए, वो नहीं दिया। तो इसके लिए हमको समझ जाना चाहिए कि ये शिवराज सिंह की सरकार दलित विरोधी सरकार है। और मैं ये आह्वान करता हूँ कि अगले विधानसभा चुनाव में ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का, जो सरकार में जो सामाजिक समानता ही नहीं है उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, ये इतनी सारी दलितों के खिलाफ इतने अत्याचार होते हैं, फिर भी सरकार पुलिस प्रशासन सब चुप है। और ये जैसे कि जो हत्यारे हैं उनको खुली छूट दे रखे है। हमारे साथ यहाँ के जो युवा नेता है तोरण सिंह अहिरवार, इनसे पूछेंगे ये घटना के बारे में और मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताइए। तोरण सिंह जी, अभी वर्तमान में जो यहाँ पर करैया जागीर जो गांव है, कल हमको जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद में हमने यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से पता लगाया, तो पता लगाने के बाद में ये घटना सही पाई गई। यहाँ कंचेदी लाल जी की जमीन थी, उनको लगभग 82-83 में ये जमीन शासन द्वारा पट्टा दिया गया था। और लगभग यहाँ पर 10 ऐसे पट्टेधारी है, लगभग 65 बीघा पर उनका कब्जा है। और इसको